बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, ये जो ट्रांजिट हो रही है जो कि 3 दिसंबर को मरकरी की ट्रांजिट है सजिटेरियस में, इसकी बात करेंगे। कुछ छोटा इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिट है। मैं जॉब पे था, मुझे ज़रूरी था कि आपके साथ बात करना। मैं बेसिकली खुद जो हूँ वो ग्लोरिया जीन्स का मैं एज ए CFO ग्लोरिया जीन्स सदर रावलपिंडी पाकिस्तान और ग्लोरिया जीन्स I8 F11 बहुत सी ग्लोरिया जीन्स को देखता हूँ। तो साथ साथ जॉब भी अपनी रिस्क हलाल भी कमाना चाहिए और साथ साथ मैं आपके साथ भी रबते में रहता हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं ग्रुप बना दूंगा, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रुप होगा। 1000 रुपये उसकी सब्सक्रिप्शन मंथली होगी, जिसके अंदर आपके जो भी सवाल होंगे वो जवाब दिए जाएंगे, वज़ाइफ होंगे, सब कुछ होंगे। तो मैं जल्द ही एक नंबर अरेंज कर रहा हूँ जो इजी सा हो और आपके लिए वहाँ पे उस पर ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है। बहरहाल 3 दिसंबर सन 2022 सुबह हफ्ते के दिन 6:34 पर ये जो मरकरी है ये तारुत में जाएगा, ठीक है। तारुत जो है जो कि बेसिकली सजिटेरियस है और यहाँ पर उसकी जो मुंतकली है वो चांद के बाद हमारे निज़ाम शमसी का जो है सबसे छोटा और सबसे तेज़ हरकत करने वाला सियारा है, और ये दूसरे सियारों की बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाता है और बड़ी तबाही मचाता है। और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है यानी कि जो उसमें के मुताबिक जो है इसको जहानत, इस्तकलाल और अच्छी बातचीत की महारत का सियारा कहा जाता है। अब ये हमारी जहानत, यादाश्त, सीखने की सलाहियत की नुमाइंदगी करता है। ये हमारे इस्तराब, अज़ामी निज़ाम, लचक, तकरीर, ज़बान की बातचीत और अदात से मुतालिक किसी भी चीज़ को कंट्रोल करता है। अब जो इंडियंस हैं वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ इसको धनु राशि भी कहा जाता है, और इसकी जो निशानी है वो 9 है। ये एक आग की अलामत है जो दोरी और मर्दाना नोयत की है। सजिटेरियस जो है वो दौलत, हौसला अफजाई, जहानत और अच्छी किस्मत की अलामत है। ये फलसफियों, मशीरों, सरपरस्तों, उस्ताजा के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और इस वक्त वो दूसरों को आसानी से मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन मकामी लोगों के लिए मखसूस होने की वजह से सजिटेरियस में जो मरकरी की मुंतकली का असर पैदाइशी चार्ट में उसकी जगह और मकाम की निशानदेही पर जो है वो मुनसर होता है, जो कि आप नहीं करते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका बुर्जों पे क्या असर है, आपके जो 12 बुर्ज है। सबसे पहले हम एरिस की बात कर लेते हैं कि एरिस के लिए ये क्या लेके आ रहा है। अच्छा, इसका इलाज भी है। अगर आप ये समझें कि इससे ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपने इसके लिए जो है वो तुलसी के पत्ते को या पौधों को रोजाना पानी दे, और जहाँ तक के रोजाना एक पत्ती भी खा सकते हैं, ठीक है जी। एरिस के लोगों के लिए ये जो है मरकरी 3रे घर और 6ठे घर पे राज करता है और आपके 9वें घर में मुंतकिल होने वाला है, जो कि धर्म का घर, बाप, दूर दराज का सफ़र, यात्रा और किस्मत है। सजिटेरियस में जो है मरकरी की मुंतकली फलासफियों, मशीरों, सरपरस्तों, उस्तादों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और इस वक्त वो दूसरों को आसानी से मुतासिर कर सकते हैं। जो तुलबा आला तालीम हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं उनके पास इसका तावकुब करने का अच्छा मौका है। एरिस के लोगों को अपने वालिद और सरपरस्तों का तावन हासिल होगा, लेकिन आपको अपने वालिद की सेहत के बारे में थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मरकरी भी आपका 6ठा रब है और आपके 9वें घर में मुंतकिल हो रहा है। तवील फासले के सफ़र और ज्यारत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप मजहबी रास्ते की तरफ भी मायल हो सकते हैं और अपने नेक अमाल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चूँकि मरकरी भी आपके सजिटेरियस पर आपके 3रे घर की तो कर रहा है और आपके अपने छोटे बहन भाइयों का तावन भी हासिल रहेगा। उसके बाद टॉरस के लिए देख लेते हैं कैसा है। टॉरस के लोगों के लिए 2रे और 5वें घर पर हुक्मरानी करता है, आमदोरफ्त 8वें घर में हो रही है, और अब ये अचानक होने वाले वाकयात, राजदारी, खुफिया अलूम के 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा जो मकामी लोग इल्म नजूम या कोई और जादुई मुताला करना चाहते हैं वो इस बार इसका ताकुब शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस दौरान तहकीक के मैदान में हैं तो आप अपनी मेहनत का मुस्बत नतीजा हासिल कर सकेंगे, और यही वो वक्त है जब आप अपनी तमाम तहकीक दुनिया को दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद रहने की ज़रूरत है, लिहाजा अच्छा खाना खाएं और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखें। सजिटेरियस 2रे घर को जिमनाई की अपनी अलामत के तौर पे देख रहा है। अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं तो अपनी बचत को मुतवाजन करने का एक अच्छा वक्त होगा। बचत को गैर मुतवक्को खराजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हो सके तो सब्ज रंग के कपड़े और चूड़ियाँ जो है वो ख्वाजा सलाम को दें।
इसके बाद हम बात करेंगे जिमनाई की। स्यारा मरकरी आपका लगान और चौथे घर का मालिक है और अब ये जिमनाई बाशिंदों के लिए जिंदगी के साथी और कारोबारी शिरकतदारी के सातवें घर में मुंतकिल हो रहा है। सजिटेरियस में ये मरकरी की जो ट्रांजिट है ये शादी के मुंतजर गैर शादीशुदा लोगों के लिए आने वाले दिनों में किसी मुनासिब साथी के साथ शादी के बंधन में बंधने के मौके लाएगा। शादीशुदा जोड़े अपने शरीक हयात के साथ मजबूत रिश्ता महसूस करेंगे और अपने घर में जिनसी मतलब मजहबी सरगर्मियाँ मनसूबाबंदी करेंगे। कारोबारी शराकत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सजिटेरियस अरूज पे है और आपको मशवरा दिया जाता है कि सेहतमंद ग़ज़ाएँ खाएँ और अच्छी तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। अपने सोने के कमरे में जो है वो इंडोर प्लांट रखें, ये इसकी रेमेडी है। उसके बाद कैंसर की बात करते हैं। सजिटेरियस को बारहवें और तीसरे घर की हिकमत हासिल है, यहाँ पर वो हाकिम है आपके बारहवें और तीसरे घर में और अब वो कैंसर के लोगों के लिए दुश्मनों सेहत मुकाबला और मामू के चौथे घर में मुंतकिल हो रहा है। प्यारे कैंसर के बाशिंदों आपको सजिटेरियस में मरकरी की आमदोरफ्त के दौरान अब बहुत अच्छी देखभाल करने की ज़रूरत है। बासूरत दीगर अल्कोहल या चिकनाई वाले खाने का ज़्यादा इस्तेमाल आपको ज़्यादतीस जिगर की खराबी या हाजमे के मसाइल जैसे मसाइल का बायस बन सकता है। इस दौरान आपके मुखालफीन के साथ गुफ्तगू आपके कानूनी मामलात को आसानी से हल कर लेगी। डाटा की तशरीह तजारत गुफ्त शनीद बैंकिंग के शोबों में पेशा वराना अफराद इस ट्रांजिट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करने वाले तालबा कामयाब होंगे। आप अपने इम्तहानात इम्तियाजी तौर पर पास करेंगे। आप अपने मामू का ताउन भी मिलेगा। इलाज क्या जी? गाय को सबस चारा खिलाएं। उसके बाद लियो की बात करते हैं जी। मरकरी लियो के बाशिंदों के लिए मालिक और दूसरे और ग्यारहवें दोनों पर हुक्मरानी करता है और अब सजिटेरियस में मरकरी की मुंतकली आपके पांचवें घर में होगी जो हमारे तालीम मोहब्बत के रिश्तों बच्चों क्या सराइयों की नुमाइंदगी करता है और ये पूरा जो है दौरानिया घर में है। लियो के लोग जो शेयर मार्केट या क्या सराई के कारोबार में है इस दौरान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आला तालीम में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए खास तौर पर पारे से मुतालिक मजामीन जैसे कि रियाजी मास कम्युनिकेशन तहरीर और किसी भी जबान के कोर्स के लिए बहुत नतीजा खेज वक्त है। इस ट्रांजिट से इनके सीखने की सलाहियत में इजाफा होगा। इनमें से कुछ को स्कॉलरशिप भी मिल सकती थी। मोहब्बत परिंदों के लिए लव बर्ड्स के लिए आप रूहानी वक्त से लुत्फानंदोज़ होंगे और ताल्लुकात मजबूत होंगे। लियो के जो लोग तवील अरसे से बच्चे की पैदाइश का मनसूबा बना रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। इलाज यह है जुमे के दिन जो है पांच सुर्ख फूल जो है वो आप नज़र करें, ये आपके लिए अच्छा। उसके बाद जी विरगो की बात करते हैं, उनके लिए कैसी है ट्रांजिट। आपका दसवां और चढ़ने वाला जो है सजिटेरियस अपने चौथे घर में मुंतकिल हो रहा है और चौथा घर आपकी वालदा घरेलू जिंदगी घर गाड़ी जायदाद की नुमाइंदगी करता है। इसलिए आपके चौथे घर पे सजिटेरियस की यह आमदोरफ्त आपके घर को खुशियों से भर देगी और आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। अपनी माँ की हमायत और उसके साथ मियारी वक्त गुजारें। सजिटेरियस में मरकरी की आमदोरफ्त के दौरान कोई जायदाद या कोई गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसलिए अगर आप ऐसा करने का इरादा कर रहे हैं तो इसके लिए अंगूठा आप पाएं क्योंकि मरकरी भी आपके दसवें घर की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक हकीकत के लिए अच्छी पोजीशन है। स्टेट डेवलपर और एजेंट आप घर से भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जुमुर्द पहने जी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लिब्रा सजिटेरियस को बारहवें। अच्छा जी, अब बात करते हैं लिब्रा। सजिटेरियस को बारहवें और नौवें घर की हाकमियत हासिल है और तीसरे घर में मुंतकिल हो रहा है और तीसरा घर आपके बहन भाइयों की नुमाइंदगी करता है। मुशागल मुख्तसर फासले का सफ़र जो है वो लिब्रा के बाशिंदों के लिए मवसलात की महारत मीडिया अशात तहरीर दस्तावेजात मशावरत मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतरीन दौर है जहां बातचीत का बुनियादी नुक्ता है क्योंकि इस दौरान आपके बोलने का अंदाज लोगों को अपनी तरफ मतवजो कर सकता है और वह आपके सोचने के अमल से आसानी से कायल हो जाएंगे। सजिटेरियस में मरकरी ट्रांजिट ये जाहिर करता है कि आप बहन भाइयों या करीबी दोस्तों के साथ मुख्तसर फासले के सफ़र या यात्रा का मनसूबा बना सकते हैं ताकि आपके साथ मियारी वक्त गुजारा जा सके और रिश्ते मजबूत हो सके। सजिटेरियस तीसरे घर से नौवें घर को भी देख रहा है जो आपके वालिद और आपके सरपरस्त का तामन फराम करेगा। तुलसी का पौधा बुध के दिन अपने घर में रखें, ये इसका इलाज भी है।
अब वो इसके साथ वो कह रहे हैं कि सैटरडे आपके 11वें और 8वें घर में किसके जी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के बारे में वो कहता है कि सैटरडे आपके 11वें और 8वें घर पे हुक्मरानी कर रहा है और ख़ानदान के दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है। बचत स्कॉर्पियन के लिए तकरीर। सैजिटेरियस में मरकरी की आमदोरफ्त के दौरान अपनी गुफ्तगू और दूसरों के साथ बातचीत में बहुत समझदारी और हैरत अंगेज तौर पर आप असर अंगेजी दिखाएंगे। आप अपने ख़ानदान के साथ पुख्ता और म्यारी गुफ्तगू से लुफ्तंदोज़ होंगे और बॉन्ड को मजबूत बनाएंगे। बिच्छू को अचानक फ़ायदा, तरक्की या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। कारोबार में लोगों के लिए उनके नकद बहाव आमदनी और कमाई की ताकत का तजिया करेंगे और इस बात के इम्कान हैं कि आप अपने साथी के साथ मुश्तरक पोशीदा सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि सजिटेरियस दूसरे घर में और 8वें घर में से होकर गुजरेगा। स्कॉर्पियो के लोग जो इनमें नजूम की तरफ झुकाव रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस दौरान शुरू कर सकते हैं। तो इस दौरान आप अल्लाह सुन्नत की तस्बीह पढ़ें, ये इसकी रेमेडी है। सजिटेरियस की अपनी ही बात करते हैं। सजिटेरियस 7वें और 10वें घर का मालिक है, 10वें और 7वें घर का मालिक है और अब आपके लगन पे गुजर रहा है। पहले घर में सजिटेरियस इंसान को इंतहाई ज़हीन, कारोबारी ज़हन रखने वाला और होशियार शख्सियत बनाता है, जिसकी कारोबार दुनिया में ज़रूरत होती है। और साकिन लोगों के लिए वक्त उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सजिटेरियस भी 10वें का मालिक है। लिहाजा ये डाटा साइंस दानों, बरामद दरामद, मुजाकरात कार, बैंकिंग, तिबी मैदान और कारोबारी बाशिंदों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। 7वें घर पर सजिटेरियस का पहलू भी आपकी पेशा वाराना शिरकत को बेहतर बनाएगा और आपको इसका तावन हासिल होगा। शादीशुदा जोड़े सजिटेरियस में मरकरी की मुंतकली के दौरान अपने शरीके याद के साथ पूरा मन और मोहब्बत भरे तारुकात से लुत्फानंदोज़ होंगे। इस दौरान जो है वो घास जो है ग्रीन उसको देखें। कैप्रिकॉन सजिटेरियस 6वें और 9वें घर का मालिक है और 12वें घर में मुंतकिल हो रहा है। 12वां घर गैर मुल्कियों की नुमाइंदगी करना, NMC ज़मीन, अलग थलग घरों, हस्पतालों, अखराजात, गैर मुल्की कंपनियों जैसा है। लिहाजा 12वें घर में सजिटेरियस का 9वां रब होने की वजह से दूर दराज के गैर मुल्की सफ़र के ज़्यादा इम्कान होते हैं, यहाँ तक कि जो तलबा गैर मुल्की तलीम के हमें उनको भी अपने मतलूब मकासद हासिल हो सकते हैं और अपने मतलूबा कॉलेज में दाखिला मिल सकते हैं। कैप्रिकॉन के बाशिंदे जो दरामद बरामद के कारोबार में एक अच्छे मरले से लुत्फानंदोज होंगे, सजिटेरियस में मरकरी की मुंतकली की वजह से मरकरी के लोगों को अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छी ज़्यादा सेहत को बरकरार रखें और मुतवाजन ग़िज़ा खाएं। 12वां घर अखराजात और नुकसानात का घर है, इसलिए ट्रांजिट आपके अखराजात या नुकसानात को बढ़ा सकते हैं। इससे बचने के लिए मुहतात रवैया भी अख्तियार करें। बुध के दिन जानवरों को समझ चारा के लिए एक्वेरियस की बात करते हैं, जिनके लिए ये कैसा रहेगा। स्यारा है मरकरी 5वें और 8वें घर की अहमियत रखता है और एक्वेरियस के बाशिंदों के लिए 11वें घर में मुंतकिल होता है। 11वां घर माली फवायद, ख्वाहिश, बड़े बहन भाइयों, फुफी की तरफ इशारा करता है। सजिटेरियस में मरकरी की मुंतकली में एक्वेरियस के बाशिंदों को अपने बड़े भाई और फुफी का तावन हासिल होगा, यहाँ तक कि आपको अचानक माली फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। और इस ट्रांजिट के दौरान कैरियर और कारोबार के लिए गुज़िश्ता एक साल में की गई तमाम मेहनत के समरात और फवायद से आप लुत्फानंदोज़ होंगे। ये तालबा के लिए खास तौर पर अबलागामा, तहरीर और किसी भी ज़बान के कोर्स के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि सजिटेरियस 11वें घर में मुंतकिल हो रहा है और तालीम के 5वें घर को देख रहे हैं। मोहब्बत करने वाले परिंदे यानी कि लव बर्ड्स अपने साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। छोटे बच्चों को ग्रीन गिफ्ट करें, यह इसकी रेमेडी है। पाइसिस की बात करेंगे जी आखिर में। पाइसिस के लोगों के लिए मरकरी 4थे और 7वें घर का हाकिम है और पेशे के 10वें घर काम की जगह में मुंतकिल हो रहा है। ये मुद्दत आपकी पेशे वाराना ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद होगी। ये आपको शोहरत और रुतबा फराहम करेगी, कारोबारी तरक्की करेगा। इस दौरान इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। सियासत, टेक्नोक्रेट, कम्युनिकेशन सेक्टर में एग्जेक्टिव पोजीशन के लिहाज से ये मरकरी बेहतरीन पोजीशनों में से एक है। आप नए मौके मैसर होंगे, आपके कैरियर में नए मुस्बत मौके आ सकते हैं या आप अपना कुछ छोड़कर नया शुरू कर सकते हैं। 10वें घर से आपके 4थे घर को भी देख रहा है, इसलिए आपके घर के लिए नई गाड़ी या कोई लकड़ी चीज़ खरीदने का अच्छा वक्त है। अपने घर में कुछ मजहबी तकरीबात के लिए रकम खर्च भी कर सकते हैं। अपने इलाज और काम के अंदर जो है वो अल्लाह उस्मत की तस्वीर जरूर पड़े। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।